अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग बनाने जा रहे हैं मलाई बोटी, जो कि बहुत इजी और बहुत मज़ेदार है। जिसके लिए मैंने बोनलेस चिकन ले लिया क्यूब्स में। इसमें मैंने 1 टीस्पून जिंजर और गार्लिक पेस्ट ऐड कर दिया। मैंने सभी स्पाइसेस को इसमें ऐड कर देना। इनकी डिटेल मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ से देख लीजिएगा। हमने इसमें चॉप ग्रीन चिली ऐड कर देनी है। अराउंड 2 टेबलस्पून हमने इसमें धनिया ऐड कर देना है। और मैंने इधर 1 टीस्पून कचरी पाउडर लिया। 1 टेबलस्पून हमने इसमें कॉर्नफ्लोर ऐड कर देना है। 1/2 कप हमने इसमें योगर्ट का ऐड कर देना है और इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। अगर आप इसको 1 आवर या 2 आवर्स के लिए मैरिनेट करके रखते हो तो इसमें कच्ची पाउडर डालने की ज़रूरत नहीं है। हमने पैन में बटर ऐड करके उसमें चिकन को ऐड कर देना और उसको अच्छे से कुक कर लेना। मेरे सभी घर वालों को बहुत पसंद आई थी। आप लोग भी ज़रूर इसको ट्राई करिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसी लगी। हमने इसको मीडियम फ्लेम पर पकने के लिए रख देना है और इसकी हमने सॉस तैयार कर लेनी है, जिसके लिए हमने बटर ऐड करना है एक पैन में। 2 टेबलस्पून हमने इसमें ऑयल ऐड कर देना है। हमने 2 टेबलस्पून इसमें मायोनीज ऐड कर देनी है। और 1/2 कप हमने इसमें क्रीम ऐड कर देनी है। मैंने इसके बाद भी क्रीम ऐड की थी, ऑलमोस्ट वो 1/2 कप ही हो गई थी। हमने लो फ्लेम पे इसको बनाना है और कंटिन्यूअसली हमने स्पैचुला को हिलाते रहना है ताकि ये लगमग जाए। धनिया ऐड कर देना है हमने इसमें। ग्रीन चिली ऐड कर देनी है हमने इसमें। ब्लैक पेपर हमने इसमें ऐड कर देना है। 1/4 टीस्पून हमने इसमें सॉल्ट ऐड कर देना है और इस सॉस को हमने चिकन के अंदर ऐड कर देना है। लास्ट में हमने इसमें कोयला रख के 1 मिनट के लिए रख देना है लो फ्लेम पर। 1 मिनट के बाद हमने इसको डिश में सर्व कर लेना है। अपने मील को एंजॉय करना है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।